Hello, good morning. Now we are discussing 5 best questions for your JEE Advanced exams from the topic So This Is Certain. So my dear friends, ये सारे questions को आपको अच्छा से practice करना चाहिए क्योंकि ना इसी type के questions पूछा जाता है JEE Advanced exams में. So my dear friends, success mantra JEE Advanced exams के लिए है try to understand the basics of the subjects. क्लियर एंड कोई अच्छा बुक पढ़ो क्लियर और बेसिक्स को समझने का कोशिश करो. मैं ये जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ क्लियर मुझे इसका स्टडी ये नॉर्मल बच्चे लोगों के लिए नहीं है क्लियर. मुझे बंसल ट्यूटोरियल का ये कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ क्लियर. एंड इस बुक्स आप लोग देख सकते हो. सो दिस इज बूस्टर सीरीज मैकडुहिल पब्लिकेशंस एंड रिटन बाय रिजवल मंसूर. सो दिस इज जेईई एडवांस एग्जाम्स के लिए क्लियर लेवल 3. सो दिस इज लेवल 3 प्रॉब्लम्स फॉर जेईई एडवांस एंड सो दिस इज लेवल 4 टॉपर प्रॉब्लम्स फॉर जेईई एडवांस. ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस है क्लियर. इफ ए सर्कल सी एंड दिस आर ऑर्थोगोनल टू ऑर्थोगोनल एंड हैव रेडिकल एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस देन सी इज. ठीक है क्लियर. सो दैट मीन्स क्या ये जो सी है मैंने ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ लेट सी इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है. मैंने उसको एस कंसीडर कर लिया. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है क्लियर. अभी तुम्हें क्या करना है देखो. अभी रेडिकल एक्सिस क्या है. सपोज दिस इज वन सर्किल है एंड दिस इज अनदर सर्किल है. द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी इसको तुम रेडिकल एक्सिस बोलोगे जब लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्किल्स आर सेम है. ठीक है क्लियर. इसका जो लोकस है सो दैट वन इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स यू कैन थिंक रेडिकल एक्सिस इज आइडेंटिकल विद कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. खाली डिफरेंस क्या है ना कोड ऑफ सॉरी कॉमन कॉर्ड. सो कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस में क्या डिफरेंस है. इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजिशंस ऑफ सर्किल्स यू कैन फाइंड आउट द रेडिकल एक्सिस बट कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट ओनली व्हेन टू सर्किल्स आर इंटरसेक्ट. क्लियर. सो दैट मीन्स क्या रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये स्ट्रेट लाइन कब होगा जब क्लियर ये दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो ये रेडिकल एक्सिस है. सो दैट इज व्हाट रेडिकल एक्सिस क्या है दोनों को सबट्रैक्ट करो. सो दिस इज ठीक है क्लियर. ये क्या होगा. सो दिस इज ट्वाइस जी एक्स. सो दिस इज ट्वाइस एफ वाई. ठीक है क्लियर. ए रेडिकल एक्सिस है. सो दैट इज ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो है. सो दैट इज व्हाट ट्वाइस जी एक्स ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1 है. अभी लेकिन यहीं पे क्वेश्चंस में गिवन है रेडिकल एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है क्लियर. सपोज पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा इसका. सो दैट इज एक्स इक्वल टू कांस्टेंट. एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होने के लिए तुम्हें यहीं पे क्या करना होगा. सो दैट मीन्स एक को जीरो करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट. सो ट्वाइस जी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1 व्हेयर एफ इक्वल टू 0 है. ए रेडिकल एक्सिस है क्लियर. एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ऑब्वियसली यू कैन से सो लाइक दिस. ठीक है क्लियर. अभी क्या है देखो नेक्स्ट ऑर्थोगोनल है. ये दो सर्कल्स जब ऑर्थोगोनल है तो उस टाइम क्या कंडीशंस होगा. सो दैट इज ऑर्थोगोनल का क्या कंडीशंस था ट्वाइस ऑफ जी वन जी टू क्लियर. इसका तो जी वन जीरो है एंड सो दिस इज लाइक दिस. सो दिस इज सी माइनस 1 है. सो दैट मीन्स सी का वैल्यू क्या है 1 है सी क्लियर. सो दैट मीन्स यहीं पे क्या हो रहा है देखो. सो दिस इज जो देखो. सो दिस इज इक्वल टू 0 है क्लियर एंड सो दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. सो दिस इज सी वन प्लस सी टू ट्वाइस ऑफ जी वन. ठीक है ट्वाइस ऑफ जी वन जी टू प्लस एफ वन एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू है. सो दैट मीन्स यहीं पे क्या है देखो. सो दैट इज ट्वाइस जी एक्स ए क्या होगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो जाएगा. सो दैट इज सो दिस इज सी प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज सी प्लस 1 दिस. सो दैट इज सी इज इक्वल टू 1. सी जब 1 है 2 जी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है.
सो दिस इज x का वैल्यू क्या होगा ना, x का वैल्यू माइनस वन बाई जी है. सो दैट मीन्स क्या, g का वैल्यू क्या हो सकता है, क्लियर? यहीं पे g का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो कि मतलब g नीचे है, सो दैट मीन्स g बिलोंग्स टू r माइनस जीरो है, एनी रियल नंबर्स हो सकता है, क्लियर? सो तुम्हारा सर्किल हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, ये इसको सर्किल कंसीडर किया था, सो दैट मीन्स क्या, कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर लो अदर देन जीरो है, ठीक है? सो दैट मीन्स क्या हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बाद क्या हो सकता है, सपोज एक्स का वैल्यू जब हाफ होगा सो एक्स होगा, एंड सी का वैल्यू क्या है, सो दैट इज वन, सो तो ए भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स यहीं पे जो ऑप्शन है, सो दैट इज देखो यहीं पे कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द राइट वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है, क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन क्या है देखो, सो दिस इज Another question, find the equations of the circuit of the triangle formed by the lines this y plus root 3x equal to 0 and y is equal to x root 3 plus 6 and so equations of the circumcircle. Circumcircle ka kya matlab hai? So that means you will find out the equations of a circuit which is passing through three vertices of a circle hai. Clear? So therefore, yahi pe kya hai? Dekho, suppose a coordinate axis hai. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज जब कोऑर्डिनेट एक्सिस इसे कंसीडर करोगे, सो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस है, एंड हियर y इज इक्वल टू माइनस रूट, सो दिस इज लाइक दिस, ऐसा है, क्लियर? दिस इज एंड y इज इक्वल टू, ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज y इज इक्वल टू लाइक दिस, ऐसा एक है, क्लियर? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो दिस इज अभी तुम्हें क्या है, ये तीनों क्लियर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, यहीं पे y इज इक्वल टू 0 एंड सो दिस इज, सो ये जो तीन पॉइंट है क्लियर, ये तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है, क्लियर? सो दिस इज, ठीक है, क्लियर? अभी ये तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज 0 0 एंड ये क्या होगा जब यहीं पे y 0 होगा, इस पे y का जगह पे 0 पुट कर दो, सो x का वैल्यू क्या है, सो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस सिक्स बाई रूट थ्री, सो दैट इज माइनस टू रूट थ्री है, सो दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज ए माइनस टू रूट थ्री एंड जीरो है, एंड ये जो पॉइंट है सपोज दिस इज p पॉइंट, क्लियर? y का जगह पे ठीक है, यहीं पे देखो y का जगह पे वैल्यू बोली तो, सो दिस इज x रूट थ्री एंड x रूट थ्री, सो दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सो दैट इज ट्वाइस x रूट थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स, सो x का वैल्यू क्या है, सो दिस इज टू रूट थ्री है, टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, सो दैट इज रूट थ्री, क्लियर? x का वैल्यू रूट थ्री, x जब रूट थ्री है इस पे पुट करो, x जब रूट थ्री है सो दैट इज व्हाट, क्लियर? सो माइनस रूट थ्री एंड सो दिस इज थ्री है, सो माय डियर फ्रेंड्स क्लियर? अभी आपको क्या करना है देखो, क्लियर? अभी इसका लेंथ क्या होगा, सपोज इफ यू क्लियर, ये जो सर्किल है क्लियर, इस सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशंस तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्किल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द लाइंस दिस. Now what we will do, so my dear friends, so this is, यहीं पे suppose you consider इसका जो center है, clear? So this is, इसको एक काम करो, इसको B consider कर लो, तो इसका center को लिखो, so that is C है, but this is P है, ठीक है? And so this is, तो ये क्या होगा, ये length equal हो जाएगा, so that means क्या है देखो, so this is PA is equal to a, so that is OP है, and OP equal to क्या है, so that is PB है, तो PA is equal to OP है, PA का मतलब क्या है, h plus root 3 का whole square,
एंड दिस इज के स्क्वायर, ओपी का मतलब क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड सो दिस इज पी बी का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज पी बी, सो दैट इज इज व्हाट एच प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, एंड सो दिस इज के माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये दोनों से देखो कुछ रिलेशन मिल रहा है, सो दिस इज एच प्लस टू रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, सो दैट इज फोर एच रूट थ्री, ठीक है, सो दिस इज फोर एच रूट थ्री बाय, सो दिस इज एच प्लस टू रूट थ्री इक्वल टू प्लस माइनस एच, जब पॉजिटिव होगा एच तो एलिमिनेट हो जाएगा, सो टू एच इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री, सो एच का वैल्यू क्या होगा, सो ऑब्वियसली यू कैन से एच इक्वल टू माइनस रूट थ्री है, एच जब माइनस रूट थ्री है तो यार अभी किसी एक में पुट कर दो, सो दिस इज देखो एच माइनस रूट थ्री है तो ये तो जीरो हो गया, सो दैट इज ए यहीं पे क्या होगा, सो दिस इज थ्री प्लस के स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या होगा, सो दिस इज के स्क्वायर माइनस टू के रूट थ्री, एंड सो दिस इज थ्री है, सो दैट मीन्स इसका जो सेंटर है ये क्या मिल रहा है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू जीरो है, सो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होगा, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आवर, सो दिस इज ये क्या होगा, सो दैट मीन्स क्या ये यहीं पे हो रहा है, के कोऑर्डिनेट जब जीरो है, ठीक है, क्लियर, के कोऑर्डिनेट जब जीरो है एंड एच एच के है रूट थ्री, सो दैट इज रेडियस तो थ्री हो जाएगा, सो दैट इज व्हाट एक्स, तो तुम्हारा सर्किल का जो इक्वेशन है, ठीक है, सर्किल के इक्वेशन क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन, सो दिस इज एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट इज थ्री है, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स रूट थ्री, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस सब्जेक्ट को समझ में है, जब सब्जेक्ट को समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आपको आसान लगेगा, क्लियर। बहुत ज़्यादा पढ़ के पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, तीनों सब्जेक्ट में ही है, तीनों सब्जेक्ट को ही आपको समझना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। फिजिक्स के लिए एसी वर्मा का बुक पढ़ो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ो एज ए रेफरेंस बुक, ओपी टैंडन एंड बी बहादुर को फॉलो करो, एंड मैथमेटिक्स के लिए बूस्टर सीरीज मैक्रोन पब्लिकेशन विद माइरेज ऑन मत्सो, क्लियर क्लियर, और बुक को फॉलो करो। सो मुझे जो लगता है आप रेगुलरली 10 टू 12 आवर्स स्टडी करोगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट एडमिशन फ्रॉम आईआईटी, क्लियर। सो दैट्स ऑल। नाउ वी विल डिस्कस टू गुड क्वेश्चंस फॉर योर जेई एडवांस एग्जाम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस का ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। सो आज के लिए जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, इफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस बी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 10 है, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है देखो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14x प्लस 6y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर लो, तो ये क्या होगा x माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 49 है, ये 6 है, ठीक है। सो दिस इज 49 प्लस, सो दैट इज 9, ठीक है, प्लस 6, तो ये क्या होगा 64 है, सो दैट इज 64, सो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन दिस, क्लियर, एनी पॉइंट ऑन दिस क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन दिस क्या होगा ना, 7 प्लस 8 cos थीटा एंड 3 प्लस 8 sin थीटा, ठीक है, क्लियर। अभी क्या है, e इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस इज 21 प्लस 24 cos थीटा and 4 times of this, so this is 32 sin theta, so this is clear, 12 and 21, so that is 33, so this is 24 cos theta and so this is 32 sin theta, e hai, so my dear friends, so this is e hai, obviously you can find out jo iska maximum value hoga, so that is maximum value iska kya hoga, dekho na 24 ka square, ठीक है, एंड 32 का स्क्वायर, सो दिस इज प्लस 33 है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, 572, सो दिस इज 1024 एंड 576, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज
So that is where. So this is 40 plus 33, so this is 73 है. And यहीं पे b का वैल्यू क्या होगा, माइनस 40 प्लस 33, सो दैट इज माइनस 7 है. आपको क्या फाइंड करना था ना, सो यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a प्लस b प्लस 10 है, ये दोनों को सेपरेट करो, सो दैट इज वेयर 66 प्लस 10, सो दैट इज वेयर, सो दिस इज योर आंसर इज, सो दैट इज 76 है. Clear? Now, my dear friends, another question is, क्या है देखो, tangents are drawn to a unit circle at the origin from each point on the line this. ठीक है? Find the locus of the midpoint of the chord of contact. Clear? Suppose इसका ऊपर कोई भी point आप consider कर लो, इसका ऊपर so कोई भी point जब consider करोगे तो ये क्या होगा? Suppose ऐसा जब x का value a है. Clear? तो y का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज 2a माइनस 4 है, ए सॉरी y का वैल्यू क्या होगा, x का भी है, सो दिस इज 4 माइनस 2a है. ठीक है, क्लियर. e क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए यूनिट सर्कल. ठीक है, क्लियर, टू ए यूनिट सर्कल एट द ओरिजिन है, यूनिट सर्कल एट द ओरिजिन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन दिस. ठीक है, सो लाइक दिस, ऐसा है इसका जो रेडियस है. क्लियर, सपोज यहीं पे ओरिजिन है. क्लियर, सो दिस इज, यहीं पे टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए यूनिट सर्कल एट द ओरिजिन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइंस दिस, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट. ठीक है, क्लियर, सपोज ऐसा एक लाइन है, सो लाइक दिस, इसका ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करो, सो दिस इज ए फोर टू ए माइनस वन, यहीं से, सो लाइक दिस एंड सो लाइक दिस, ए ए बोल रहा है. ठीक है, क्लियर, एंड सो दिस इज वन, एंड जो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, सो लाइक दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, सपोज यू कंसीडर्ड, सो लाइक दिस, दिस इज ए बी है, एंड ही पे क्या है, सपोज सी, सो दैट इज एच के है. अभी यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब क्या है देखो, सो दिस इज इसका जो कोऑर्डिनेट है. ठीक है, क्लियर, यूनिट सर्किल, सो दैट इज, सो दिस इज, सपोज इफ यू कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, सो दैट इज ए इंटू एक्स प्लस 4 minus 2a into y, so that is equal to is what, so that is equal to 1 है. अभी बोल रहे यहीं पे क्या है, c का जो मिड पॉइंट है, कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, सो बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट का क्या था, t इज इक्वल टू इज 1 है, सो t क्या है यहीं पे, सो ये जो सर्किल है, t क्या होगा, सो दिस इज एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू इज वाई, सो दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है. अभी ये जो दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस आइडेंटिकल है, सो दिस इज, ये दो इक्वेशंस जब आइडेंटिकल है, सो यू कैन राइट लाइक दिस, देखो कंपेयर करो, सो दिस इज, अभी कंपेयर करने के बाद तुम्हें लोकस एच एंड के का वैल्यू फाइंड करना है, एच बाई ए. ठीक है, सो दिस इज एच बाई ए, एंड सो दिस इज के बाई 4 माइनस 2a, एंड सो दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 1 है. ठीक है, क्लियर, सो दैट इज, यहीं से क्या करोगे, ए को एलिमिनेट कर दो. ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, ए दोनों से देखो यहीं पे ए का वैल्यू मिल जाएगा, सो दैट इज, सो दिस इज एच बाई ए इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सो दिस इज ए का वैल्यू क्या होगा, एच बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ए का वैल्यू है. ठीक है, क्लियर, अभी यहीं पे क्या होगा देखो, सो दिस इज एच बाई के इक्वल टू इज व्हाट, ए बाई 4 माइनस 2a है, सो दिस इज, इसका रेसिप्रोकल ले लो, के बाई एच 4 माइनस 2a बाई ए है, तो 4 बाई ए माइनस 2 है, सो दिस इज k बाई एच प्लस 2 इक्वल टू 4 बाई ए है, सो दिस इज k प्लस 2h बाई 4 इक्वल टू 1 बाई ए है, तो a का वैल्यू क्या होगा, नहीं a का वैल्यू 4 बाई k प्लस 2h, इस पे रख दो, सो दिस इज 4 बाई k प्लस 2h इक्वल टू h बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सो दिस इज लोकस
लोकस ऑफ सी एच के इज क्या होगा, सो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इज वाई, सो दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस वाई है। सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल बेस, ठीक है, क्लियर। सो इसका क्या मतलब है, देखो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल एट द ओरिजिन, का मतलब है यूनिट सर्कल, सो एट द ओरिजिन का मतलब है उसका सेंटर ओरिजिन है, क्लियर। सो टेंजेंट्स, कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट्स ड्रॉ किया फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन दिस, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, दिस इज नॉट ओरिजिन, सो दिस इज ए टेंजेंट ड्रॉ किया, क्लियर। इसका मतलब है, क्लियर, यूनिट सर्किल एट द ओरिजिन का मतलब है जो सर्किल है, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वन है। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये सब आपको समझना है, इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स आई थिंक यू कैन इजिली सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, दैट्स ऑल। नाउ we'll discuss this. A circle is passes through the point this and is orthogonal to this. ठीक है, clear? This as well as this. Then the radius of A क्या होगा? Clear? So my dear friends, suppose if you consider it like this, ये जो questions है, ये JEE Advanced 2014 में पूछा गया था। खाली only orthogonal का conditions को आपको अप्लाई करना है। सो दिस इज ए क्या है, सपोज एस जो है, सो यू कैन से, सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी वाई। इस पॉइंट से पास कराओ, इस पॉइंट से जब पास होगा तो ये क्या होगा, देखो जीरो प्लस वन प्लस, ठीक है, सो ट्वाइस ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। सो दिस इज ट्वाइस ए प्लस सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज वन कंडीशन, ठीक है। अभी इसका साथ ऑर्थोगोनल है जो ये, सपोज ए एस वन है, एस वन को एक्सटेंड करो, सो दिस इज माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो है। ये सर्किल इसका साथ ऑर्थोगोनल है, तो क्या कंडीशंस होगा, ट्वाइस ऑफ जी क्लियर इंटू माइनस वन प्लस एफ इंटू जीरो इक्वल टू क्या होगा, सी माइनस फिफ्टीन, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या हो रहा है, देखो सो दैट इज वाई, ठीक है, क्लियर। ये क्या होगा, माइनस टू जी, सो दैट इज इक्वल टू सी माइनस फिफ्टीन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सो दिस इज बाय ही से सी का वैल्यू यू कैन राइट, सो दैट इज सी इज वाई, फिफ्टीन माइनस ट्वाइस जी इक्वल टू सी है, ठीक है। अभी सी का वैल्यू यहीं पे पुट, क्लियर, वो बाद में पुट करेंगे, और एक रिलेशंस है, सो दैट इज इसका सब भी ऑर्थोगोनल है, सो दिस इज जी इंटू जीरो प्लस, सो दिस इज प्लस एफ इंटू जीरो, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा ना, सी माइनस वन है। सो माई डियर फ्रेंड, सी का वैल्यू वन है, सी जब वन है सो देयरफॉर टू जी का वैल्यू क्या है, फोर्टीन है, सो दैट इज जी का वैल्यू क्या है, सेवन है। सो दैट मीन्स क्या, जी सेवन मिल गया। अभी यहीं पे क्या है, देखो टू एफ, टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो है, सो एफ का वैल्यू क्या है, माइनस वन है। सो माई डियर फ्रेंड, सेंटर क्या था, सेंटर इज वाई ना, सो दिस इज माइनस जी माइनस एफ, सो दैट इज सेवन माइनस वन। एंड रेडियस क्या था, रेडियस इज वाई, सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो दैट इज ये क्या होगा, 49 प्लस 1, एंड सी का वैल्यू तो हम लोगों ने क्या निकाला था, सी इज 1 है, सो दैट इज 7 है। सो दैट मीन्स इसका रेडियस इज 7 है, क्लियर, एंड सेंटर इज वाई, क्लियर, सेंटर इज दिस, ए रेडियस ऑफ एस, ए आर ऑफ एस मीन्स क्या, रेडियस ऑफ एस, ठीक है, सेंटर ऑफ एस इज दिस and center of S is this. So that means here B and C are right ones. So this is C options, clear? So B and C are the right ones. So my dear friends, इसी type का questions पूछा जाएगा, आपको इसी type का questions को अच्छा से practice करना है. If you want to crack JEE Advanced exams with a great confidence, so you can follow these books, clear? So geometry, क्लियर, ज्योमेट्री से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेगा, सो ज्योमेट्री को आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो जैसा जी मेन में ज्योमेट्री से 20% क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्लियर, सो दैट मीन्स सो यू कैन थिंक अबाउट
your JEE Advanced paper. So my dear friends, इस पे clear दो special exercise है, level 3 और level 4 हर एक chapters में. So level 3 problems for JEE Advanced and level 4 tougher problems for JEE Advanced. Clear? ये सारे questions का solutions भी given है, इसलिए आपको nervous होने का कोई ज़रूरत नहीं है. सर जब solutions given होगा, आप पहले खुद कोशिश करोगे, first time कोशिश किया, second time कोशिश किया, third time कोशिश किया, नहीं होगा तो solutions देखना, आपको भी अच्छा feel होगा. Clear? So my dear friends, level 3 क्वेश्चंस करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड लेवल 4 भी धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहना. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करूँगा क्लियर सीरियसली 10-12 आवर्स आप स्टडी करोगे. ठीक है, फिजिक्स के लिए SC वर्मा क्लियर, केमिस्ट्री के लिए OP टंडन पी बहादुर एज ए रेफरेंस बुक, लेकिन NCERT का ऊपर ज़्यादा नजर रहेगा. एंड मैथमेटिक्स के लिए बूस्टर सीरीज फ्रॉम मैग्नोलिया पब्लिकेशंस एंड रिटन बाय प्रिंस ऑफ मार्क्स. दैट्स ऑल.